राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अब मैं जा रहा हूँ हरियाणा के लिए। नैनीताल वगैरह खूब घूम लिया भाई, बर्फ़ का इंतज़ार था, बर्फ़ पड़ी नहीं और टाइम भी बहुत हो गया, घर पे काम भी है, शादी का टाइम भी है, तो इसलिए मैंने सोचा अब चला ही जाऊँ यहाँ से। तो मिलते हैं अब आपको हरियाणा में। यहाँ की वीडियो कम्प्लीट, अब हरियाणा की वीडियो देखना। इतनी ठंड हो रही है और इसे देखो, पूरी खिड़की खोल के रखी है। और गाड़ी में बैठते ही इसका हाल बेहाल हो जाता है। मैं आपको दुनिया की खिड़की भी देख रहा हूँ, इन्होंने भी खिड़की लगा रखी है। वेलकम बैक, शाम के बज गए हैं 5 और हम पहुंच गए हैं रास्ते में गजरोला। अब यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए रुके हैं और फिर उसके बाद जाएंगे, मतलब 7-8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। वहाँ से नेक्स्ट हरियाणा जाना है फिर हमें। खुश हो रहा है, अरे बहुत खुश से निकल गया करके। हालत गुम हो गई थी बिल्कुल, मतलब ये सोच लो जन्नत में आ गया हूँ। यही मेरे को बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, देखो एक स्वेटर, ये फिर वहाँ से ऐसे पैक होके आना पड़ गया। और यहाँ बिल्कुल पता ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है गर्मियों के दिन है। कैसा लग रहा है मौसम इधर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग। ठंड के मारे हालत खराब। रोटी खा लो पेट। तो भाई ऐसा हो रहा है कुछ हाल, अच्छा हो रहा है ना इधर अभी तो, मतलब दिल्ली तक पहुँचे नहीं है। हमारे वहाँ ऐसा गर्मी में होता है ना, ऐसा ऐसा मौसम। हाँ मतलब जैसा वहाँ हमारे वहाँ सर्दियों में है वैसा नैनीताल में गर्मियों में होता है, लेकिन इस साइड में तो भाई बस पूछो मत। जैसी आगे आगे को जा रहे हैं गर्मी बढ़ते जा रही है और सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब वहाँ पे अगर मैं टी शर्ट में भी रहूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा नैनीताल में फ्रीजर में रखा हुआ था मैं, और अब फ्रीजर में से निकाल दिया मुझे, तो मेरे को ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस साइड में कोई ठंड नहीं लगेगी कुछ भी, अभी नहीं पता पड़ तो रही है। बिस्तर से ही मुंह नहीं निकाला बाहर। फिर भी बिस्तर जाने ये जाने, इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम। अरे बोल कुछ बोल, इधर घूम उधर घूम, नहीं तो यार अब क्या, बिस्तर जाने ये जाने। ऐसी ठंड हमने कभी देखी नहीं, तो हम क्या क्या करें भाई। वहाँ पे बिस्तर छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था, हमने कहा हीट बननी पड़ी है। बिस्तर भी कह रहा होगा अरे से मिला ये सुखाने डाल देती है धूप में बिस्तरों को, लेकिन जब से मैं आया था सुखाने ही नहीं डाले, बस धरे रखो उन्हें, आके घुस जाओ। मैंने तो बाहर भी नहीं आया, वहाँ पे तो धूप भी नहीं सेकना हुआ। धूप सेकने में भी ऐसा लग रहा था जैसे मतलब साइड में से हवा चल रही थी तो उसकी ठंड लग रही थी, धूप कम ठंड ज़्यादा लग रही थी उधर। मैंने कि छोड़ धूप वूप भी नहीं सही ना कुछ भी, तो चलो खाना वाना खाते हैं फिर दिल्ली में मिलते हैं आपसे। वेलकम टू दिल्ली। वेलकम बैक गाइस, अब हम आ गए दिल्ली में और यहाँ से अब जा रहे हैं हम घर को। यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ेगा घर, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुँच जाएंगे।
बस ये हो कि यहाँ का जाम ना मिले, क्योंकि दिल्ली साइड में जाम बहुत मिलता है। अभी ऐसा हुआ, अभी हमने यहाँ से दूसरी कैब की, तो भैया मतलब थोड़ी इसके रहे हैं, डर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड वगैरह भैया अपनी आईडी वगैरह दे दो कुछ भी। तो मैंने इनसे बोला, आईडी तो मैंने शेयर कर दी इनसे, लेकिन मैंने ये बोला कि भाई जैसे मतलब पहले लोग ऐसे डरते थे कैब में बैठने से, कैब की या तो नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचते थे वो डालते थे, या फिर आधार कार्ड की उनसे मांग के उनकी आईडी लेते थे, नंबर लेते थे। लेकिन मैंने कहा भैया अब तो उल्टा हो रहा है, आप हमसे कस्टमर से मांग रहे हो। तो ये कह रहे हैं अब उल्टा ज़माना आ गया। और इस चीज़ पे इन्होंने एक डायलॉग सुनाया था भैया, क्या क्या बता रहे थे आप? क्या बता रहे थे डायलॉग? ये बता रहा था मैं कि सारा सिस्टम उल्टा हो गया अब। हाँ। लोग पहले घर पे खाना खाते थे, टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए बाहर जाते थे। हाँ। अब लोग बाहर खा के आते घर में टॉयलेट करते हैं। ठीक है, मरने के बाद जब किसी की डेट हो जाती है ना, ठीक है, तो लोग पीछे चलते हैं, अर्थी आगे चलती है। हाँ। किसी की शादी हो ना, हाँ। तो सबसे नाचने कूदने के लिए सबसे लोग आगे चलते हैं। सारा सिस्टम उल्टा है ना। आरती के पीछे को चलते हैं भाई, क्योंकि उनको मरने का डर है, लगता है हमने कहीं मर जाऊं। जब शादी वगैरह होती है तो लोग आगे आगे चलते हैं, और जब कोई मर जाता है तो लोग पीछे पीछे चलते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों, जब कह रहे हैं क्योंकि लोग मरने से डरते हैं इसलिए सब पीछे पीछे चलते हैं। बाकी सही है भाई, अपने प्रोटेक्ट के लिए रखनी चाहिए भाई आईडी वगैरह तो रखनी चाहिए, कल को भाई कुछ भी इशू हो सकता है, होता है। लेकिन पहले उल्टा था, पहले कैब वालों से लोग डरते थे कि कैब में बैठ रहे हो कि उसके नंबर दो या नंबर प्लेट शेयर करो, कहाँ से है क्या है करके उसके आईडी शेयर करवाते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब कस्टमर की आईडी शेयर करवा रहे हैं कि कस्टमर की आईडी दो, कस्टमर है कहाँ का, आधार कार्ड वगैरह कहाँ का है क्या है। अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है, अच्छी बात है। यहाँ पे इतनी गर्मी लगने लग गई ना, फेस पे देख ही रहे हो कितना ऑयली ऑयली हो रहा है फेस, बाहर का बंदा है वो, गर्मी इतनी लग रही है, बस पूछो मत। अब हम हुए इस टेम्परेचर में रहने वाले लोग, और वहाँ नैनीताल में ऐसी कुल्फी जमी, बस पूछो मत। और ये लोग ये सोच रहे कि तू आलसी है, ये है वो है, दुनिया भर के बातें सुना दी मुझे। अब खुद देख यहाँ पे खिड़की खोल के बैठी आराम से, देखो ना तुम्हें फाइनली हम पहुंच गए घर पे। तो भैया ये है ब्राइडल, ठीक है, ब्राइडल इज हियर। तो ध्यान से देखिए, इसके चक्कर में आज दोबारा पधार चुके हैं। ये है वो इसके चक्कर में देख ब्राइडल हेलो तो करते हेलो। हाय। तो भैया ये है ब्राइडल हमारी, इसके लिए हम आए हैं नैनीताल से, क्यों दी? हाँ। सही बात है, ये है इसके नैनीताल से आए। तो भैया ऐसी रही हमारी जर्नी नैनीताल से हरियाणा की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको शादी के ब्लॉग दिखाए जाएंगे, मतलब अभी क्या तैयारी होती है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या बर्डन पड़ता है, ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, राम राम।